उसको, दोनों पे फील है 99 क्रिएट करो। देखो मैंने क्या कहा था आपको कि यहां पे क्या आ गया, दूसरे स्विच पे क्या एरर आ गया, मिसमैच हो रहा है, क्योंकि वहां पे 99 है और यहां पे क्या हुआ हुआ होगा। ये क्वेश्चन आता है एग्जांपल एग्जाम में कि अगर ये एरर आ रहा हो नेटिव वेरिएंट मिसमैच, तो आप इसको कैसे सही करेंगे, तो फिर आपको वो बताएगा सिनेरियो। तो आप क्या करेंगे, उस पोर्ट पे जाएंगे ट्रक पे और वहां जाके चेक करके उसको दोनों पे नेटिव वेरिएंट सेंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसने एरर दे दिया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे शो वेरिएंट करूंगा तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, नेटिव वेरिएंट शो वेरिएंट नहीं, शो इंटरफेस ट्रन, तो यहाँ पे क्या है नेटिव वेरिएंट 1 है और वहां पे क्या कर दिया था मैंने 99, तो उसने मुझे एरर देना शुरू कर दिया था, सही। तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, G01 पे जाके पहले वेरिएंट 99 क्रिएट कर लो, एग्जिट इंटरफेस G01 स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव वेरिएंट 99। अब ये G0 जो मैंने नए पीसी कनेक्ट किए थे, ये आपस में बात कर रहे हैं, देख लेते हैं यार करके, नहीं कर रहे, चेक कर लिया, ठीक है। 4.1 कर दिया इसको मैंने, और इसको मैंने कर दिया 4.2। और मैंने यहां से पिंग करवाया, तो ये पिंग नहीं कर रहे, जबकि देखो VLAN 1 यहां भी क्रिएट हुआ हुआ है और VLAN 1 यहां भी क्रिएट हुआ हुआ है, बात को समझना। और ये F04 VLAN 1 का पार्ट है और ये F04 भी VLAN 1 का पार्ट है, तो सिनेरियो तो पूरा कंप्लीट हुआ हुआ है, लेकिन VLAN 1 क्या है, हमारा नेटिव VLAN है और जो अनटैग्ड जो डेटा है वो नेटिव VLAN पे फेंकता है, तो हमने क्या किया, नेटिव VLAN को चेंज कर दिया। तो अब जो है वो क्या कर रहा है, वो अनटैग्ड डेटा को कहां फेंक रहा है, VLAN 99 पे फेंक रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये आपस में बात नहीं कर रहे, तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बार दफा आपको डिफॉल्ट VLAN से चेंज करना पड़ता है नेटिव VLAN। हाँ क्या जरूरत है पीसी कनेक्ट करने की, अगर आपने कुछ पीसीज को अनटैग्ड रखना है तो आप उसमें डाल दें नेटिव VLAN में, वरना आपका मसला तो हल हो गया ना यहाँ से। या दूसरे तरीके से मैं क्या करता हूँ कि VLAN 1 से सारे पीसी को पोर्ट्स को निकाल लेता, वहां से जो भी अब पोर्ट्स रहेगी उनको मैं वहां से निकाल लेता और वो मैं किसी और VLAN में डाल देता उनको, अनयूज VLAN कोई भी जो कि जिनको मैंने बाद में यूज करना होता, सही नॉर्मल प्रैक्टिस बता रहा हूँ जी, उसको खत्म करना होता है, क्योंकि एक हैकर जो होता है उसको पता होता है, उसको तो सारी चीजें पता है ना कि सिस्को का जो स्विच है उसमें एक VLAN 1 बना हुआ है, सबको पता है, और सारी पोर्ट्स क्या है उसके आप मेंबर हैं, और वो जब कनेक्ट करेगा तो वो VLAN 1 का वो कैप्चर करेगा डेटा को, फ्रेम को निकालेगा, VLAN आईडी चेंज करेगा और उस VLAN से जाने देगा। VLAN होपिंग की एक अटैक होता है, सही है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, उसमें यही होता है आप डबल टैगिंग कर देते हैं, उसके अंदर अनटैग जा रहा होगा डेटा और उसके अंदर जो है एक्चुअल आपका जो है वो VLAN होता है, तो वो उसका एक्चुअली दूसरे स्विच तक पहुंचाना होता है आपके फ्रेम को, लेकिन अभी मैं समझ नहीं आएगा आपको, जब थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लें फिर बताऊंगा किस तरीके से होता है डबल टैगिंग अटैक, ठीक। तो नॉर्मल प्रैक्टिस क्या होती है कि आप VLAN 1 जो है वो को खत्म करना है, सही है, या तो आप सारी पोर्ट्स निकाल लें और उसको किसी और VLAN में डाल दें और शट डाउन भी कर दें उनको, बहुत ही अगर आप अच्छे एक्सपर्ट हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर तो आप क्या करें उनको बाय डिफॉल्ट शट डाउन कर दें, क्योंकि स्विच की पोर्ट सारी क्या होती है नो शट डाउन होती है ना, आप कनेक्ट करें और काम करना शुरू करते हैं, तो आप क्या करें उनको शट डाउन कर दें ताकि कोई भी बाहर से आके जब कनेक्ट करे तो उसको पोर्ट एक्टिव ना मिले, सही है। तो ये नॉर्मल प्रैक्टिस है कि आप VLAN नेटिव VLAN चेंज कर दें, VLAN 1 से सारी पोर्ट्स निकाल दें
और बहुत ही अगर आपने हाई सिक्योरिटी लगानी तो आप उसको शट डाउन करते हैं पोर्ट्स को, फिर तो वो उसको आपके स्विच का कंसोल लेना पड़ेगा जब उसने उसको कनेक्ट करना है तो, और उस पर तो फिर आपने पासवर्ड लगाए होंगे, सही ठीक है यहां तक हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, या तो विलेन ही आगे चले हम लोग, या फिर हम लोग जो है वो इन विलेन के बीच कम्युनिकेशन की लैब कर लें, क्या करना है बताओ जल्दी, विलेन कम्युनिकेशन करने है? क्योंकि अभी तक हम विलेन 100 को विलेन 200 से हम लोग बात नहीं करवा रहे ना, क्योंकि उसने क्या किया लॉजिकल डिवाइड कर दिया उसको, तो अब हमने क्या किया इंटर विलेन राउटिंग करेंगे, हम क्या करेंगे इंटर विलेन राउटिंग, तो उसके लिए इतने विलेन बनाने की जरूरत नहीं है ठीक है। तो ये सारे पीसी जो है वो डिलीट कर दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, ग्रीन वाले को भी हटा दो, क्योंकि इतने जब करोगे तो फिर वो कंफ्यूज हो जाओगे। किसको दोबारा बताओ, देखो विलेन टैगिंग मैंने बताई ना आपको, विलेन टैगिंग जितने भी विलेन के मेंबर है उसको टैग कर रहा है कुछ, लेकिन पैकेट्स ऐसे आते हैं जो किसी भी विलेन का पार्ट नहीं है फ्रेंड, सही, जिस तरीके से हमने पीछे लगाए थे दो, तो वो किसी भी विलेन को पार्ट नहीं बनाया था, तो बाय डिफॉल्ट किसके पार्ट थे वो विलेन वन के, तो वो विलेन वन क्या था नेटिव विलेन था, वो अनटैग जा रहा था डेटा हमारा। नॉर्मल स्विच अगर आप लगाते हैं और अब तक जो हमने प्रैक्टिस की थी और उस पर हम केबल लगा देते थे और आपस में हम लोग कम्युनिकेशन होती थी हमारी, तो वो डेटा कहां से जा रहा होता था हमारा विलेन वन से जा रहा होता था, तो हमने क्या किया उसको वहां से विलेन वन जो था नेटिव उसको हटा दिया हमने वहां से, अब जो भी अनटैग्ड होगा डेटा वो कहां से जाएगा विलेन 99 भी किया था हमने, आप कुछ भी कर सकते हैं, तो उससे आपकी थोड़ी सिक्योरेंस हो गई, कि अगर आपको अगर पीसी लगाएगा कनेक्ट करेगा तो वो पार्ट तो विलेन वन का होगा लेकिन वो विलेन वन अब नेटिव विलेन नहीं है, अब जो नेटिव विलेन है वो विलेन 99 है हमारा, तो जितना भी अनटैग्ड जो भी डेटा होगा अब उसको कहां फेंकेगा वो विलेन 99 पे, तो विलेन 99 की तो किसी को पोर्ट बनाई नहीं ना मैंने मेंबर, तो वो सारा डेटा कहां जा रहा है डिस्कार्ड हो रहा है ठीक है। अब हमारे पास कितने हैं दो विलेन है ठीक है, मैंने ग्रीन वाले हटा दिए सारे, ये भी हटा दिए, और जी कनेक्टिविटी करानी है तो सारी पोर्ट्स को 99 में डाल दूं, जितनी पोर्ट्स है ना सारी सारी पोर्ट्स उसको भी 99 में डाल दूं, एक ही वीलैंड में तो हो जाएंगे लेकिन वो वीलैंड का जो डेटा जाएगा ना वो नहीं, वो तो टैग होगा, अच्छा हाँ सही कह रहा हूँ, वो जो वीलैंड का डेटा जाएगा वो अनटैग होगा क्योंकि वो कौन सा है नेटिव वीलैंड है, आपने ट्रंक पे उसको क्या डिफाइन किया हुआ है, ट्रंक पे डिफाइन किया था ना आपने स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव वीलैंड 99, तो मैंने जब उसको 99 नेटिव कर दिया तो वो वीलैंड में टैगिंग नहीं जाएगी, ये फर्क हो जाएगा सर, कम्युनिकेट तो कर लेगा क्योंकि वो सारी पोर्ट किसकी पार्ट हो गई विलेन 99 की, लेकिन वो विलेन टैग होके नहीं जाएगा, पिंग हो जाएगा ना अनटैग के थ्रू पिंग होगा ना, नहीं समझे भाई, एक चीज मैंने टैग लगा दी कि ये विलेन 100 है, विलेन जब वो दूसरे एंड पे जाएगा तो विलेन 100 है, एक जो डेटा जा रहा है जिसपे कोई टैग ही नहीं है तो दूसरे एंड पे जब जाएगा स्विच के पास तो वो देखेगा यार इसको कोई टैग नहीं आया, तो मुझे इसको कहां फेंकना है विलेन 99 पे, क्योंकि मेरे पास जो विलेन है जिस पे कोई टैग नहीं है वो कौन सा है 99 नेटिव किया है ना आपने उसको, तो वो देखेगा मेरे पास जो विलेन 99 है उसकी कौन कौन सी पोर्ट है, तो जो भी पोर्ट होगी वो उन पे फेंक देगा, लेकिन मैंने 99 के बनाया था तो वो कहां फेंक रहा था वन पे, तो सारी पोर्ट विलेन वन की मेंबर थी तो इसलिए वो सब पे फेंक रहा था ठीक है, ये फर्क है दोनों, आया समझ,
पिन तो होगा ना, तो पोर्ट को तो मेंबर बना मिलियन 99 का, अभी तो 99 मिलियन की कोई पोर्ट ही मेंबर नहीं है ना। पोर्ट नंबर 4 को जाके मिलियन 99 का पार्ट बना दो, इंटरफेस F04 दोनों स्विच पे और स्विच पोर्ट मोड मिलियन 99। तो ऐसे जितनी यूज नहीं करेंगे उसको 99 का पार्ट बना। हाँ नहीं, यूज करनी करनी नहीं की बात नहीं हो रही, नेटिव मिलियन की बात हो रही है। आप पार्ट नहीं बनाओगे, ये तो कह रहा है ना, मुझे कम्युनिकेशन करवानी है तो मैंने कहा पार्ट बना दो, लेकिन आप क्या करते हो नेटिव मिलियन में कोई भी पोर्ट नहीं डालते हो, ताकि कोई भी जब कनेक्ट करे तो वो पोर्ट नेटिव मिलियन की मेंबर होगी तो वो कम्युनिकेशन नहीं कर सकता उसमें। हाँ क्या कर रहा है तो भाई तुमने नेटिव मिलियन 99 कर दिया और 99 मिलियन को पोर्ट भी कर दी, फिर भी कम्युनिकेशन करता है यार, अभी तो नहीं कर रहा था यहाँ पे। हाँ दो पीसी लगाए थे ना मैंने अभी, कहाँ कर रहा है? मेरा तो नहीं कर रहा, किसका कर रहा है? अब मैं चेक करता हूँ, मैं गलती कहाँ की है। पहले थ्योरी बनती है फिर प्रैक्टिकल होता है, ऐसा नहीं होता कि प्रैक्टिकल थ्योरी को गलत कर। नेटिव की कमांड क्या थी? नेटिव चेक करना वो कर दो है, शो इंटरफेस रन, बस वो फोन ही में है नेटिव नेटिव ही है सही। ये दो तो करेंगे आपस में, ये इससे नहीं करेंगे आप, वो नहीं करेंगे आप। नेटिव विलेन हमने कहां कॉन्फिगर किया था? ट्रंक पे कॉन्फिगर किया था ना हमने। तो अगर मैं एक पीसी यहां पे लगाऊं, ठीक है, फाइव इससे लगा दूं, तो ये पीसी इस पीसी से तो कम्युनिकेट करेगा ना, पीसी ये ऊपर दोनों जो पीसी हैं, ये तो आपस में कम्युनिकेट करेंगे ना, क्यों? क्योंकि ये तो पार्ट किसका है, विलेन वन का है, तो ये तो कम्युनिकेट करेंगे। ये बात कहां हो रही है? जब ट्रंक पे डेटा जाएगा, ठीक है, तो उसकी बात हो रही है। अच्छा हम लोग ये यूज करते हैं ना, ये पैकेट ट्रेसर, ये जो है वो सिमुलेटर है, ये तो पता है ना आप लोगों को, कुछ ऐसी कमांड है जो उस पर चल रही होती है और कुछ सिनेरियो जो है वो जैसे इनका है वो पिंग कर रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो थ्योरेटिकली पिंग नहीं करना चाहिए और मेरा नहीं कर रहा, लेकिन बार दफा कर जाता है। तो आप लोग यही समझें कि जब आपने उसको नेटिव विलेन चेंज कर दिया तो वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे किसी भी हालत में।
सही नेटिव बनाने की कमांड। अच्छा अब हम लोग चल रहे हैं आगे, और आगे चलने में सिर्फ 15 मिनट रह गए, अब क्या करें? तुम लोग इतने स्लो चलते हो ना, अगले हफ्ते नहीं यार पूरे साल सीसीए नहीं करना तुम लोग, ऐसा नहीं होगा ना फिर यार। अच्छा ये बताओ कि वो नेक्स्ट क्लास अभी कब रखे, संडे को रख ले भाई, एक क्लास बीच में रह गई ना वो तो करनी पड़ेगी ना, जल्दी से बता दो सर। सैटरडे सैटरडे तो यहाँ ऑलरेडी क्लासेस होती है ना यार। संडे सुबह रखिएगा, सुबह में अगर हो जाए, संडे को सुबह में सुबह भी यहाँ पता नहीं यार, मुझे पूछना पड़ेगा कि यहाँ पे टाइम है, क्योंकि पीएसटी की क्लासेस यहाँ पे चल रही होती है। यार नेक्स्ट वीक में तीन क्लासेस कर लें, ट्यूसडे और थर्सडे फ्राइडे, सही? कोई एतराज तो नहीं है तुम लोगों को? एतराज होगा तो वो भी मैं रख लूंगा, सही है? तो ट्यूसडे भी क्लास नॉर्मल होगी और थर्सडे और फ्राइडे दो दिन कंटिन्यू क्लास करेंगे हम लोग, सही? हाँ चार घंटे नहीं हो सकती ना, आठ से दस एक और क्लास है ना, तो वो अभी आ जाएंगे वो लोग, तो वो तो नहीं हो सकती है। हाँ यार देखो अब नेक्स्ट, अभी टाइम तो बचा नहीं है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में ये टोपोलॉजी जो है ना ये बनी हुई है, ये कंप्लीट होनी चाहिए। अब वो बनाने में जो है ना वो हम लोग का आधा घंटा तो उसी में लग जाता है, तो ये टोपोलॉजी आप अभी सेव करके ले जाओ, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास, सही है? यहीं से कंटिन्यू और करेंगे क्या, इसमें कुछ और चीजें उसमें ऐड कर लेते हैं हम लोग, ताकि आप लोगों के पास पूरा एक सिनेरियो बन जाए, वरना तो फिर इसी में फंसे रहेंगे आप। तो अब इन दोनों को विलेन 100 को और विलेन 200 को आपस में मुझे बात करवानी है, तो ये तो नहीं करते ना कम्युनिकेट, अब कम्युनिकेट करवाना है तो क्या करें? ये चाहिए होगा, क्योंकि राउटर क्या करता है, दो नेटवर्क को कनेक्ट करता है आपस में। तो हम लोग जो राउटर लगाएंगे उसको हम क्या करेंगे, किसी भी स्विच के साथ कनेक्ट कर दें, इसके साथ कनेक्ट कर दें, और इसकी पोर्ट किससे कनेक्ट कर रहा हूं मैं, G02, दो ही पोर्ट है ना गीगा की, G02 से कनेक्ट कर दिया मैंने इसको। ये हमारी जो लैब है ये क्या है, स्विच पोर्ट, समझ गया समझ गया, इंट कल तो आएगा एफ, हां वो तो करंट इंटरफेस में जाओ, इसके बाद ये कमांड लगा दो, /1 चल रहा है वहां पे, हां कमांड दे दिया ये रहा, सही। इंटर विलेन राउटिंग और राउटर ऑन ए स्टिक, ठीक है, राउटर ऑन ए स्टिक। अच्छा होता ये है इसके अंदर, थोड़ा सा मैं समझा दूं तुम लोगों को, कि ये राउटर की एक ही केबल, एक ही इंटरफेस से मैंने कनेक्ट किया है स्विच को, सही है? क्योंकि अब तक हमने पढ़ा था कि स्विच को अगर हम राउटर को कनेक्ट करते हैं तो डिफरेंट इंटरफेस से कनेक्ट करते हैं ना, जब भी दो नेटवर्क कनेक्ट होते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, एक ही इंटरफेस से सारे VLANs जितने अभी तो दो हैं, हम 3, 4, 10, 20 जितने भी कर सकते हैं, जितने भी VLANs को हम कनेक्ट कर सकते हैं, और एक ही इंटरफेस के थ्रू क्या करेंगे, वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, सही है? तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, राउटर पे सब इंटरफेस बनाने पड़ते हैं। क्या करते हैं हम लोग, सब इंटरफेस बनाते हैं। तो वो सब इंटरफेस कैसे बनाते हैं, कि राउटर को हम खोलेंगे, ठीक है, इसके कमांड लाइन पे आएंगे और यहां पे शो आईपी इंटरफेस की कमांड होती है ना, तो यहां पे कितने इंटरफेस आ रहे हैं, दो इंटरफेस आ रहे हैं, G00 और G01। अब आप ये देखते हैं इसको कनेक्ट किससे किया है, G00 से कनेक्ट किया है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे सब इंटरफेस बनाने का तरीका क्या है, कॉन्फिगर टर्मिनल, ठीक है, इंटरफेस G0/0, और सबसे पहले तो मैं क्या कर दूंगा इसको, नो शटडाउन, क्योंकि मुझे इसको राउटर के इंटरफेस बाय डिफॉल्ट शटडाउन होता है ना, तो मैंने क्या कर दिया, नो शटडाउन।
और मैं इसको आईपी नहीं दे रहा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या कर दिया, इसको एग्जिट कर दिया और यहां पे मैंने किया इंटरफेस g0/0.10, सही है, g0/0.10। तो ये डॉट के साथ जो आगे नंबर आ रहा है ये क्या हो, क्रिएट कर रहा हूं मैं सब इंटरफेस, सही। मैंने क्या कर दिया, इसको क्रिएट कर दिया, एक g00 के साथ इंटरफेस क्रिएट हो गया जो कि g00.10 हो गया, सही। अब ये सब इंटरफेस के अंदर आ गया। अब यहां पे मैं इसको आईपी दूंगा, सही है, आईपी एड्रेस 192.168.1.254, अच्छा ठीक है। ये कह रहा है आपको जो है सब इंटरफेस बनाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एनकैप्सुलेशन चेंज करनी पड़ेगी, सही है, क्योंकि ये दोनों सपोर्ट कर रहा है, 802.12 भी कर रहा है और ISM भी कर रहा है। तो यहां पे आपको कमांड क्या देनी पड़ेगी, इनकैप्सुलेशन .1Q और यहां पे जो आप नंबर देंगे ना, ये इंटरफेस जिसके साथ आप कनेक्ट करेंगे वो नंबर दे रहे होते हैं हम लोग, सही है। तो हमने दो इंटरफेस बनाए थे 100 और 200, तो यहां पे मैंने क्या दे दिया 100। अब जो ये टैग लगा के भेजेगा राउटर, तो इसको पता है कि ये वीएन कौन सा आ रहा होगा, मेरे पास यहां पे 100 का टैग आ रहा होगा, तो ये 100 उसको के टैग को ही क्या कर सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है, क्योंकि मैंने इसको मैपिंग किससे की हुई 100 से, सही है। तो अगर इस पे वीएन 200 का डेटा आएगा तो उसको वो नहीं कंसीडर करेगा, सही। अब यहां पे आप क्या दे देंगे, आईपी एड्रेस जो कि क्या है 1.254 और एग्जिट कर दिया आपने, सही है। अब इसी तरीके से आप क्या करेंगे, एक और इंटरफेस क्रिएट करेंगे, सब इंटरफेस इंटरफेस g0/0.20 कर देते हैं या 200 कर देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसको आगे कोई इससे इश्यू नहीं है इसका, ये मैटर नहीं करता, सही। असल चीज जो मैटर करती है वो क्या है, ये .1Q के साथ वो उसी पे टैगिंग करेगा। तो मैंने क्या दे दिया, .20 दे दिया, ठीक है, और यहां पे मैंने इनकैप्सुलेशन .1Q और यहां पे मेरा वेरिएंट कौन सा था 200, तो मैंने इसको मैपिंग कैसे कर दी, 200 से कर दी मैपिंग। और यहां पे भी मैं क्या दे दूंगा, आईपी एड्रेस .2.254.255.255.255.0, सही है, एग्जिट। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। तो यहां पे देखो इसने क्या किए, दो इंटरफेस क्रिएट कर दिए, एक 10 का और एक 20 का, और जो कि सब इंटरफेस किसके हैं, G00 के, और 10 की आईपी कौन सी चल रही है 1 की, और इस पे कौन सी चल रही है 2 की, और ये स्टेटस क्या आ रहा है, समझ आया। अच्छा, अब अगर ये गीगाबिट का इंटरफेस है और मैंने इसको दो सब इंटरफेस बना दिए तो इसमें क्या होगा, बैंडविड्थ डिवाइड हो जाएगी, नहीं होगी, होगी ना, क्योंकि अगर दो इंटरफेस बना दिए तो उसको क्या कर देगा, डिवाइड बाय 2 कर देगा बैंडविड्थ को, ऐसे ही होगा ना यार, गीगा की है तो एक, अगर वीलैन दो इंटरफेस बनाए 10 और 20 के तो वो दोनों का हाफ कर देगा, और अगर चार सब इंटरफेस बनाऊंगा तो वो डिवाइड बाय 4 हो जाएगी टोटल बैंडविड्थ जो है मेरी। तो ये क्या करता है, आपका सब इंटरफेस क्या करता है, आपकी बैंडविड्थ को क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, सही। इसीलिए ये क्या है, पॉपुलर मेथड नहीं है, सही। इसके लिए क्या बेस्ट होता है, लेयर 3 स्विच, तो हम लोग उसको भी करेंगे राउटिंग। अभी हमने क्या किया, सब इंटरफेस बना दिया, क्योंकि आपके कोर्स में है, सिस्को पढ़ाता है, पुराना मेथड है तो आपको भी पढ़ना है, सही। अगर मैं इसको पिक करूंगा, अच्छा पिक करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो स्विच कनेक्ट किया है ना मैंने राउटर का, इसकी पोर्ट को भी क्या करना पड़ेगा, मुझे ट्रंक करना पड़ेगा ताकि वो
VLANs 100 और 200 को लेके जाए, सही है? तो आप क्या करेंगे, स्विच पे आके इस स्विच की आप आएंगे इनेबल इंटरफेस G02 और स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, सही है? तो आपको जो राउटर से कनेक्ट किया उसको भी पोर्ट को क्या करना पड़ेगा, ट्रंक करना पड़ेगा। अब अगर मैं इसको शो इंटरफेस ट्रंक करूंगा तो यहां पे मेरे पास कितनी पोर्ट्स आ गई ट्रंक पे, दो, और ये दोनों क्या है, मेरी एनकैप्सुलेशन 802.1 की, सही है? अब अगर यहां से पिक करोगे राउटर को, तो राउटर को यहां से पिक करेगा या नहीं करेगा? कर, ठीक है, क्योंकि मैंने मैपिंग की है VLAN 100 की, और ये जो मेरा VLAN इसका पार्ट है ये भी क्या करेगा, इसको पिंग करेगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ पीसी पे जाके गेटवे देना पड़ेगा, और ये राउटर क्या कर देगा, इन दोनों को आवाज से कम्युनिकेट कर आएगा। उसकी वजह ये है कि राउटर पे क्या करा होगा, इसने राउटिंग टेबल क्रिएट कर दिया होगा। राउटिंग टेबल में इसके बाद दो नेटवर्क आ रहे हैं, सही है, एक 1.0 का और एक 2, तो इसने दोनों नेटवर्क को आवाज में कनेक्ट कर दिया, जो कि इसकी एक पोर्ट 20 पे कनेक्ट हुआ होगा और एक 10 पे हुआ होगा। गेटवे पर राउटर की आईपी देते हैं ना, तो राउटर की आईपी देंगे, राउटर की आईपी 2.254 है और 1.254, तो इस तरीके से होगा। इसको हम फिर करेंगे नेक्स्ट, ये टोपोलॉजी आपने सेव करनी है, सामान आराम से करेंगे नेक्स्ट, ये टोपोलॉजी सेव करके ले जाओ, बस यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया ताकि घर जाके आप लोग इसको देख लो और नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे। हाँ शेयर कर दो, राउटर ऑनेस्टी, ठीक है भाई, 8 बज गए, खाली कर दो, कुछ स्टूडेंट खड़े हैं। अब नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि ट्यूसडे को नॉर्मल क्लास होगी आप लोग की, सही, उसके बाद देखेंगे थर्सडे का।